Hey guys, welcome back to new my vlog. कैसे सब लोग हो? कुत्ते सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई अभी का टाइम हो रहा है 4:14 और अभी हम है दरगाह परिसर में, क्योंकि सभी लोग यहाँ सलाम करने आए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं मखनपुर। भाई ये दरगाह देखो कितनी मस्त है। पहले यहाँ पे कोई गार्डन वार्डन नहीं था, तो अभी ये नया बनाए सारे पेड़ पौधे वगैरह, देखो कितना मस्त है। तो अब जा रहे बस अब। तो भाई अभी हम आए, तो भाई अभी हम आए रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है 6 बजे। तो फिलहाल अभी रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं है, देखो पूरा खाली है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अभी ट्रेन के पास, देखेंगे ट्रेन की तरफ, और ये बाहर जाने का रास्ता है। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। देखो यहाँ पे अभी कम भीड़ है, और जब ट्रेन आएगी तब जैसे टाइम आएगा वैसे यहाँ पे भीड़ पड़ती रहेगी। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे। अभी देखो यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि रात को भी हो सकती है, जब ट्रेन आएगी तब हो सकती है, हमारी ट्रेन है 6 बजे की। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:30, और भाई देखो अभी एक भी ट्रेन नहीं है। और देखो भाई सनसेट कितना मस्त है। और भाई हमें यूपी यानी कि मखनपुर पहुंचने में पूरे 11 से 12 घंटे लगेंगे, और 60 स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन, और क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं है, लोकल ही है, क्योंकि एक्सप्रेस हम फुल बुक थी, तो जो मिली वो हमने बुक कर ली। और भाई हम मखनपुर से डायरेक्ट आगरा भी जाएंगे। आगरा जो ताजमहल है, सबसे फेमस 7 वंडर्स में से एक है ताजमहल, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का प्रॉब्लम होने का भाई। और आज देखो पूरी नाइट लगेगी, तो चलते हैं अब, ट्रेन का वेट करते हैं। और जो हमारी पूरी टीम है सामने है, जो बातें कर रहे हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है। तो भाई ये है हमारी टीम, जो देखो कितने सारे 10-15 लोग हैं शायद। तो मेरा डब्बा है S1 और किसी का S3 है। अभी हम बैठ रहे हैं। तो भाई हमारी ट्रेन तो आ चुकी, हमने अपनी सीटें भी ले ली। तो भाई देखो ट्रेन आ गई है, हमने अपनी सीटें ले ली है। सभी लोग बैठ गए, वैसे मैं बाहर हूँ और एक वो बाहर है, क्योंकि अभी ट्रेन को चलने में शायद दस मिनट है। तो भाई सब देखो हमारी ट्रेन चल चुकी है, और भाई देखो पूरी ट्रेन खाली, जिसका रिजर्वेशन है और किसका टिकट है। तो भाई हमारी ट्रेन हो चुकी है स्टार्ट। तो भाई हमारी ट्रेन चल चुकी है, और देखो पूरी ट्रेन खाली है, पूरी ट्रेन खाली है भाई, बढ़िया रात को सोते सोते जाएंगे। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं कोटा स्टेशन पे। भाई यहाँ पे बूंदी से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो भाई अभी देखो रेलवे स्टेशन पे रुके ट्रेन, तो कुछ खाने के लिए भाई ले रहे हैं। तो फाइनली हम मखनपुर पहुँच चुके हैं, और देखो यहाँ से रेलवे स्टेशन से कुछ मैगनीज कर रहे हैं, जिसके लिए देखो वहाँ सभी इकट्ठे हो रहे हैं अभी फिलहाल, या तो कोई रिक्शा या मैगनीज करेंगे, ताकि सभी लोग उसमें चले जाए, फिर मखनपुर चलेंगे। यहाँ से 22 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ का कन्नौज का रेलवे स्टेशन है। जो है
तो भाई ये है मकनपुर की जो सबसे बड़ी बली है उनकी दरगाह, दुर्गा रोजा है। देखो कितना मस्त है, बस देखते रहो। तो भाई यहाँ से देखो नदी पार करनी पड़ेगी। अभी ठंडा पानी चिल्ड। तो भाई हम कैमल की सवारी करें। तो भाई अभी हम करें कैमल की सवारी, तो भाई मजा आएगा। फिर घर का मेहमान छूट गया। तो भाई यहाँ देखो देखो माहौल क्या है। तो भाई देखो हमने कैमल की सवारी की। देखो भाई डर लगा फर्स्ट बार में, तो हमारा जो कैमल था वैसे हिल रहा था, जबकि मजा तो आया लेकिन बहुत डर लगा भाई। और भाई देखो हम दरगाह से 700 मीटर की दूरी पे आए ऐसे घूमने, क्योंकि यहाँ पे कैमल की सवारी होती है
और यहाँ पे एक नदी भी है जो भाई चिल्ड पानी है पूरा। तो भाई देखो यहाँ का व्यू मस्त है, देखो कितने सारे कैमल्स है, सभी अपने कैमल्स पे राइड कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो रोड के दोनों साइड देखो क्या है ये। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू माय व्लॉग। तो कैसे हो सब लोग, होप सब लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल अभी मैं हूँ मकनपुर पे, तो हमें यहाँ से जाना है 400 मीटर की दूरी पे एक रेतीला स्थान है, वहाँ भी भाई कैमल की सवारी करेंगे। जो ऊँट होते जो राजस्थानी में प्रसिद्ध है ऊँट, क्यों रेगिस्तान में चलते हैं तो उसकी सवारी करने है, तो मिलते हैं वहीं पर। और भाई यहाँ से देखो व्यू कितना मस्त है, जो मेला बहुत ही बड़ा है। तो भाई अब चलते हैं कैमल की सवारी के लिए। तो देखो अभी हम आए थे नहाने, तो यहाँ का पूरा पानी गंदा है, तो देखो पूरा जंगल एरिया है। तो वापस से हम जा रहे हैं वापस से घर, जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ कॉम्प्लेक्स लेके उसमें नहाएंगे। तो फिलहाल अब चलते हैं। तो भाई देखो हम कैसे कैसे रास्तों पे चल रहे हैं, खेतों में से होके निकल रहे हैं, सामने उस तरफ नदी है। फिलहाल नहाने के लिए तो हमें कुछ भी नहीं मिला, भाई खेतों में से निकलना पड़ रहा है यहाँ से। और हम आ चुके पूरे 1.5 किलोमीटर। भाई देखो वहाँ पे कितनी सारी पब्लिक है, और देखो सभी लोग खेतों में से आ रहे नहाने के लिए, लेकिन यहाँ का पानी पूरा ख़राब है। अरे क्या चीज़ है बे।